हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि करूर वैश्य बैंक का अकाउंट कैसे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगा और ऑफलाइन भी बताऊंगा, जिससे आप अपना अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक का देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो मैंने यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, आपको देखना है। हम ऑफलाइन भी जानेंगे और ऑनलाइन भी जानेंगे कैसे बंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हमें अपना जीमेल ओपन कर लेना है और जीमेल ओपन करने का यहाँ देखिए कॉम्पोस लिखा है और एक पेंसिल का आइकॉन बनेला है, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए टू सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल हमें देखने के लिए मिल रहा है। हमें पहले कंपोज ईमेल में लिखना है, टू और सब्जेक्ट में हम बाद में लिखेंगे। तो पहले हमें कंपोज में आना है और ये आपको जो फॉर्मेट बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। तो देखिए, हमको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका केवीबी बैंक में नेम है वो आपको यहाँ सेम टू सेम लिखना है। तो इसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो फ्रेंड्स जो रिक्वेस्ट है क्लोजिंग की अकाउंट को, वो रिजेक्ट हो जाती है, एक्सेप्ट नहीं की जाती है। इसके बाद हमारा यहाँ मोबाइल नंबर आएगा, जो आपका केवीबी बैंक में मोबाइल नंबर है रजिस्टर, वही मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपको याद नहीं है, आपको नहीं मालूम आपने कौन सा नंबर दिया था, इसकी जगह आप अपना कस्टमर आईडी या आप अपना अकाउंट नंबर भी लिख सकते हो फ़ोन नंबर की जगह, अगर आपको याद नहीं है तो। तो हम अपना नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एक रिक्वेस्ट लिख के दिखाता हूँ, वैसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है। तो फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ आपको लिखना है आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है फ्रेंड, अच्छे से आपको देखना है। देखिए, ऐसा लिखना है आई एम एन अकाउंट होल्डर दिस बैंक। फ्रेंड्स, ऐसा लिख लीजिए, आई एम अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक, आई रिक्वेस्ट यू टू। और आपको ये भी लिखना है फ्रेंड्स, आपका कितने साल से इसमें अकाउंट है और अब आप बंद करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिखना है, देखिए आई हैव ओपनड, तो आपने कितने साल पहले ओपन किया था ये आपको बताना ज़रूरी है। तो आपको ये लिखना है आई हैव ओपनड सेविंग अकाउंट हियर, आपको जितना भी साल हुआ है आपको अपना लिखना है। अगर आपको याद नहीं है तो फ्रेंड्स आप ऐसा भी बोल सकते हो, दो साल हुआ, एक साल हुआ, छः महीना हुआ। तो मेरा इधर टू इयर्स हो गया, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ टू इयर्स लिख लेता हूँ। और यहाँ हमें लिखना है आई एम अनएबल टू मेंटेन, हमें रीज़न भी बताना है कि हम काय के लिए क्लोज और बंद करना चाहते हैं। तो नीचे एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है आई एम अनएबल टू मेंटेन दिस अकाउंट टू सम रीज़न। तो ऐसा आपको लिखना है टू सम रीज़न। तो हमारा ये रीज़न बता दिया हमने, आई एम अनएबल टू मेंटेन दिस अकाउंट टू सम रीज़न, हम मेंटेन नहीं कर पा रहे कुछ कारणवश। तो इसके बाद हमको लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ क्लोज माय अकाउंट। क्या लिखना है फ्रेंड्स, देखिए देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ क्लोज माय अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। और उसके बाद आपको थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड ज़रूर लिख लेना है। तो हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। अब हमें इसके बाद सब्जेक्ट की लाइन में लिखना है अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। तो सब्जेक्ट की लाइन में लिखेंगे अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए ईमेल आईडी आएगी करूर वैश्य बैंक की, जिससे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती है। ऑफिशियल वेबसाइट पे केवीबी बैंक के लेना है और यहाँ आपको डाल के सेंड करना है, आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है। ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन से मिल जाएगी, उधर से ही लेना है, बाकी किधर से नहीं लेना है। तो यहाँ आपको नहीं लेना है, आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कॉपी करके भेजना है। तो दोस्तों, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ले के कभी भी करना है, क्योंकि चेंज होते रहती है। तो हमें सेंड कर देना है एरो पे क्लिक करके। अब हमारा एसएमएस फ्रेंड जो ईमेल है जा चुका है,
जैसे वहाँ पहुँच जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो अब हम जानेंगे ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑफलाइन आपको ब्रांच में विजिट करना है, आपकी पासबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये सब लेके जाना है, और वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा फ्रेंड्स, सबमिट करना है। फॉर्म फिलअप करके उनको बोलोगे हमको अकाउंट क्लोज़ करना है, तो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो आपको फिलअप करके क्लोज कर देना है। अपनी पासबुक, चेकबुक या आपका डेबिट कार्ड कटिंग करके उनको दे देना है। तो दोस्तों, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।